त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। क्या है बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र में? पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। इस चुनाव को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रही बीजेपी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को अगरतला पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि ये हमारे लिए कागज का टुकड़ा नहीं है, संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देकर दोबारा पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र उसका रोड मैप और डॉक्यूमेंट विजन है। इस संकल्प पत्र 2023 की जब मैं चर्चा करता हूं, तो मैं इसके साथ साथ इस संकल्प पत्र के सीरियसनेस के बारे में भी चर्चा करता हूं। और जब मैं सीरियसनेस पर चर्चा करना चाहता हूं, तो आपको यह बताना चाहता हूं कि जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोई मैनिफेस्टो, कोई विजन पेपर लेकर के आते हैं, तो उनको उसकी पार्टी वाले ही सीरियसली नहीं लेते हैं, तो दूसरे लोग और समाज क्या सीरियस। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई कमिटमेंट पेपर लेकर के आती है, कोई संकल्प पत्र लेके आती है, कोई विजन डॉक्यूमेंट लेके आती है, इट इज नॉट ओनली अ पीस ऑफ पेपर। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि त्रिपुरा कभी नाकाबंदी और उग्रवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन अब राज्य शांति, समृद्धि और विकास के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा में अब तक 13 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बना दिए गए हैं, जिसमें सेटलमेंट में 107 करोड़ रुपए दिए गए। बीजेपी चीफ ने आगे कहा कि संकल्प पत्र की चर्चा के साथ ही मैं इसके महत्व की भी चर्चा करता हूं। हमने कहा था कि हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, हम सबको घर बनाने, जो कच्चे मकान में रहता है उसको पक्के मकान देंगे। आई एम द प्राउड प्रोनाउंस टू से दैट इन द पास्ट 5 इयर्स 3,60,00,000 मकान बने हैं देश में, और 3,50,000 मकान त्रिपुरा में बने हैं, और लगभग 2,50,000 बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिला है। हर विधानसभा में कम से कम 5,000 एवरेज कंस्टिट्यूएंसी में 2,500 करोड़ की लागत से घर बने हैं त्रिपुरा में। ये मेरे शब्दों को मैं भी गया हमारे एयरपोर्ट के बगल में गांव में, शायद वो नाम गांव का नाम भूल गया, लड़का, और मैंने वहां पर घर देखे। मैं चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से भी जाकर के देखिए होगा, मैं जाकर कहता चाहता हूं जाकर के वो घर देखिए क्या पक्के मकान बने। और जब मैंने उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारी जिंदगी बदल गई, झोपड़ियों में रहते थे, आज हम पक्के मकान में हैं। ये मैं अगर मैं बात करूं, हमने कहा था ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू ऑल, हमें ये गर्व के साथ कहना होता है कि 2018 में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पर 3%, टुडे इट इज 55% ऑफ जल जीवन। 1,00,000 फंक्शनल हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन 2022 में दे दिया, और इसी तरीके से हम बड़ी संख्या में इस बजट में प्रावधान करके ऑन गोइंग प्रश्नों को हमने कहा था कि हम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस बीपीएल फैमिलीज को देंगे। आज मुझे खुशी है कि मैं यहां कह सकता हूं कि 13 लाख आयुष्मान कार्ड त्रिपुरा में लोगों को दिए गए। आपको बता दें कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में एक साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान किया जाएगा। वहीं तीनों राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।